मैं ममता शर्मा, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज मैं आपको चूड़ीदार पजामे का ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। चूड़ीदार पजामा बनाने के लिए हमें जिन नापों की आवश्यकता है वे हैं पजामा लेंथ, वेस्ट टू नी लेंथ, वेस्ट टू काफ लेंथ, हिप या सीट मेजरमेंट, नी मेजरमेंट, काफ मेजरमेंट और राउंड बॉटम मेजरमेंट। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जो हमारी 0 से 1 इसमें हमारी टॉप फोल्डिंग है 2 इंचेस, और 1 से 2 हमारा जो पजामे की लेंथ है उसमें हम 12 से 15 इंचेस यानी 10 से 12 इंच या कम से कम 15 इंच हम उसमें लंबाई के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं। 2 से 2 डैश हमारा हाफ इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए है। 1 से 3 ये हमारा क्रॉच डेप्थ का मेजरमेंट है, जिसे हम 1/3 ऑफ हिप प्लस 2 इंचेस करके निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें ये क्रॉच डेप्थ का जो मेजरमेंट है पुरुषों के लिए 14 इंचेस कम से कम और मैक्सिमम हम 16 इंचेस रखते हैं। जैसे अगर हिप का नाप हमारा 48 इंचेस है तो हम उसका 1/12 निकालेंगे, और उसमें अगर 2 इंचेस ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे सिर्फ 1/3 ऑफ हिप ही लेंगे, यानी 16 इंचेस से बड़ा हम क्रॉच के साइज़ को नहीं बनाते हैं। इसके बाद 1 से लेकर के 4 ये हमारी नी लेंथ है, 1 से लेकर के 5 ये हमारी काफ लेंथ है, काफ यानी पिंडली की लंबाई है। हम ये स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। इसके बाद 0 से 6 ये हम 1/3 ऑफ हिप लेते हैं, और इसमें हम सीम अलाउंस चाहें तो यहीं ऐड कर सकते हैं, तो हम 1/2 इंच सीम अलाउंस का लेंगे। 1 से 7 तथा 3 से 8 ये मेजरमेंट जो है ये 0 से 6 के बराबर है, अर्थात 1/3 ऑफ हिप प्लस 1/2 इंच सीम अलाउंस है। 8 से 9 ये हम 2.5 इंच शेप के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं। इसके बाद हम 7 से 9 को स्लाइड कर्व के द्वारा क्रॉच लाइन के लिए ज्वाइन करते हैं, इसे हम आधे से नीचे के बाद कर्व शेप देते हैं। इसके बाद 5 से लेकर 10 तक ये हमारा हाफ ऑफ काफ मेजरमेंट है, इसमें हम 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करते हैं। 4 से 11 जो है ये हमारा हाफ ऑफ नी राउंड मेजरमेंट है, यहाँ पर हम 3/4 इंच सीम अलाउंस ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पर कर्व आएगा इसलिए, और यहाँ हमने 1/2 इंच सीम अलाउंस लिया था क्योंकि जैसे जैसे कर्व आता है वैसे वैसे हमें सीम अलाउंस को कम करना पड़ता है। तो यहाँ 1/2 इंच, यहाँ हमें 3/4 इंच लेना है, यहाँ पे 1 इंच। 2 से लेके 15 तक ये हमारा हाफ ऑफ राउंड बॉटम है, जिसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं सीम अलाउंस का। 2 डैश से लेके 15 तक का मेजरमेंट भी 2 से 15 के बराबर है। अब मैं आपको बीच में एक बात बताना भूल गई कि यहाँ हमने जहाँ पे 11 पॉइंट लिया था, हम इस 11 को 9 से स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करते हैं, तथा 11 से 12 हम नीचे 2 इंचेस लेते हैं। 13 जो है ये हमारा 11 से लेके 9 का मिड पॉइंट है, जहाँ से हम 1/2 इंच या 3/4 इंच शेप के लिए लेते हैं। इसके बाद हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो 10 से लेकर की जो 15 है यानी 10 to 15 और 15 डैश, इसे हम एक स्ट्रेट लाइन द्वारा मिलाएंगे, तथा इसके आगे 10, 12, 14 and 9 को स्लाइड कर्व के द्वारा मिलाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैंने 11 जो पॉइंट है उसके बाहर से शेप ड्रॉ किया है। अगर हम इसे अंदर की तरफ से लेंगे इस लाइन से ज्वाइन करते हुए, तो ये यहाँ हमारे जो नी है या घुटना है उसके ऊपर ये टाइट हो सकता है, तो हम इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ से लेते हुए शेप बनाते हैं। इस प्रकार देखिए मैंने चूड़ीदार पजामा आपके सामने बनाया है। अब मुझे आपको चूड़ीदार पजामे के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें बतानी है या इसके स्पेशल फीचर्स बताने हैं। चूड़ीदार पजामा भी हमारा बायफोकेटेड गारमेंट है, जो महिलाओं व पुरुषों दोनों के द्वारा पहना जाता है, और यह ऐसा ट्रेडिशनल गारमेंट है जिसे हम बायस में ही कट करते हैं। बायस में कट करने के कारण इसकी फिटिंग बहुत अच्छी रहती है, और यह नीचे वाले हिस्से से फिटिंग का बनाया जाता है। चूड़ीदार पजामा कुर्ते के साथ पहना जाता है, लेडीज़ कुर्ते के साथ भी पहना जाता है जिसकी लंबाई अधिक हो, और पुरुषों के कुर्ते के साथ या शेरवानी के साथ भी चूड़ीदार पजामा पहना जाता है। चूड़ीदार पजामा जब बनाते हैं तो उसके लिए हम कॉटन का जो कपड़ा होता है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी आती है। और इसे चूड़ीदार पजामा इसलिए कहते हैं कि जब ये चूड़ीदार पजामा पहना जाता है तो इसमें जो हमने कपड़ा लंबाई में एक्स्ट्रा लिया था वो नीचे काफ से लेकर के बॉटम के बीच में यहाँ पे चूड़ियाँ बनाता है और चूड़ियों के फॉर्म में आता है, इसलिए इसे हम चूड़ीदार पजामा कहते हैं। और इसका इफ़ेक्ट कॉटन में अच्छा आता है, क्योंकि कॉटन में चूड़ियाँ जो होती हैं वो सेट रहती हैं, और अगर हम इसकी जगह सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं तो सिंथेटिक में जो चूड़ियाँ होती है वो स्लिप होकर के नीचे आ जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए हमें कोशिश करके चूड़ीदार पजामा जो है
कॉटन वाले कपड़े में ही बनाना चाहिए। और चूड़ीदार पजामा बनाने के लिए हम दो मेथड काम में ले सकते हैं। एक होता है जिसमें हम बैग बना करके चूड़ीदार पजामा बनाते हैं, अगर हमारे कपड़े की विड्थ 90 सेंटीमीटर है। यह तरीका जो है यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। और अब कपड़े की जो विड्थ है वो हमारी 42 इंचेस या 45 इंचेस आती है, जिसके अंदर हमें थैली बनाने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें हम कपड़े को बायस रख करके भी चूड़ीदार पजामे को आसानी से कट कर सकते हैं। थैंक यू।